हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज की वीडियो हमारी है सिलाई मशीन की नहीं, आज हमारी वीडियो है गैस गैस की, जो कि घर पे हम खाना बनाने वाली गैस यूज करते हैं। तो क्या होता है कि गैस कभी कभी हल्की जलने लगती है, ठीक है, फुल गैस खोल देते हैं फिर भी हमारी गैस हल्की जलती है, तो उसकी सर्विसिंग कैसे करें। ध्यान रखें, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है और ना ही कोई पैसा खर्च करना है, बस आप लोगों को बस वीडियो देखना है और एक लाइक करना है। आपकी गैस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी गैस बिल्कुल धीमे धीमे जल रही है या पीली लौ दे रही है, मतलब अच्छी नहीं जल रही है कुल मिलाकर, तो इसे हम कैसे ठीक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, बस आप लोगों को जरूरत है वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इसे एक लाइक प्रदान करें। तो चलिए ये शुरुआत हमारे करते पास हैं। गैस चूल्हा है जो कि प्रिंस कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी आपकी कोई हो, कोई मतलब नहीं इससे, बस हमें क्या देखना है कि ये हमारा अगर सही नहीं जल रहा है, हमारी अच्छी लौ नहीं दे रहा है, तो फिर कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे अलग कर लेना है। तो फ्रेंड चलिए हम इसे पलटा लेते हैं, पलटने के बाद ही ये हमारी सही होगी। तो चलिए इस तरीके से इसे पलटा लेते हैं और क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये चीज़ खोल लेनी है, ठीक है, ये वाली चीज़ खोल लेनी है। और ये अगर आपके पास रिंच है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लास से भी खोल सकते हैं। तो हमारे पास प्लास है तो प्लास से इस तरीके से खोल सकते हैं, यहाँ से पेंच को खोल लें, इस तरीके से खोल लेते हैं। आपकी गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसे हम उठा लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना हमें, अच्छे से इसकी सफाई कर लेनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इस तरीके से पेंच का अगर बड़ा है तो बड़े से इस तरीके से आप साफ कर लें और यहाँ पर भी साफ कर लें कि हमारी, क्योंकि हमारी गैस अच्छे से यहाँ से निकलती रहे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गंदगी बिल्कुल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर होती है, तो प्रॉब्लम हमारी होती है यहाँ पर। एक क्या होता है कि इसका झेंक बंद हो जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन को, हमारी गैस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से इसका बर्नर खोल लेना है। ऐसे देखें, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि रिंच वगैरह नहीं है तो आपको इस तरीके से लगाना है, पेचकस लगा लेना है। अगर ढीली रिंच है तो इस तरीके से खोल लेना है, तो खुल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब इसका, इसमें देखते हैं कोई कचड़ा वगैरह हो तो इसे क्लीन कर दें। तो इस तरीके से ब्रश लेके और इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, आसानी से क्लीन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे क्लीन करके बताएंगे कि कैसे कैसे हमें इसे क्लीन करना है, ताकि ये प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आए ही ना। तो चलिए इसे हम सभी को अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद इसे भी हम खोल लेते हैं। ध्यान से देखें, इसे भी खोल लें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, अगर आप लोग हमारा नया वीडियो देख रहे हैं, मतलब चैनल पर नए हैं। चलिए सबसे पहले हम ब्रश से क्या करेंगे, इसे थोड़ा साफ कर लें, उसके बाद इसे कैसे साफ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इस तरीके से साफ कर लें पहले ब्रश से। चलिए इसे साफ कर लिया। चलिए इसे इसे इस तरीके से एक साइड में रख लेते हैं। चलिए इसे इस तरीके से इसमें भी, तो फ्रेंड चलिए थोड़ा ऑयल ले लेते हैं ताकि अच्छे से हम इसे क्लीन कर सकें। तो चलिए हमारे पास इस तरीके का ब्रश होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, ये वाला जो बोल्ट है इसे हम इसी में डाल देते हैं, ठीक है, इसमें डाल देंगे तो आधी इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। चलिए इस तरीके से इसे क्लीन कर लेते हैं। ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके से क्लीन कर लें इसे।
इस तरीके से क्लीन कर लें अच्छे से। उसके बाद इसे अंदर से भी क्लीन करना है। इसे पलटा लें और यहाँ से इस तरीके से क्लीन कर लें। अगर आपकी गैस अगर बिल्कुल स्लो जल रही है, अच्छी नहीं जल रही है, तो फिर बस इसके अलावा और कोई नया तरीका नहीं होता है, और इसके अलावा कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। बस आपको ऑयल लेके और इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है बस, और इसमें कुछ नया नहीं होता है, बस यही होता है। और इसमें देख लें इसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना फंसा हो, अगर कचरा फंसा हो तो उसे निकाल दें। इस तरीके से क्लीन करने के बाद फिर कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दें। उसके बाद इस तरीके से कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। आपकी गैस हमेशा के लिए एकदम सही हो जाएगी और सालों साल ख़राब नहीं होगी बिल्कुल। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे बर्नर में इसमें जो इसका बाल है इसमें कचरा आ जाता है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम देने लगती है, और कोई नई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये टाइट भी चलने लगती है। ध्यान से समझें, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही टाइट ये खुलता है, ये वाला पैंच होता है काफ़ी टाइट हमारा घूमता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो चलिए बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, तो ध्यान से देखें। ये वाला आपके पास अगर वैसलीन है तो वैसलीन लगा दें, नहीं तो अगर आपके पास मशीन वाला ऑयल है तो ऑयल भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, सेम काम करेंगी। वैसलीन हमारी ग्रीस का काम करेगी। इस तरीके से लगा दें इसमें, तो अगर ये टाइट चल रही होगी तो ये नरम चलने लगेगी। ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से पास से थोड़ा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से अगर हमारी टाइट चल रही होगी तो नरम चलने लगेगी। चलो अब इसे क्लोज कर देते हैं, जैसे हमने खोला था वैसे ही हम इसे बंद कर लेते हैं। तो हमारा बाल किधर गया? चलिए ये बाल था, मुंह से फूंक के देख लें कि इसमें कहीं कचरा तो नहीं है। तो मुंह से बिल्कुल फूंक लें, बिल्कुल हवा सही जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसे बंद कर देते हैं। अब इसे पलटा लेना है, पलटा कर अब इसका पैंच कस लेना है इसके। इस तरीके से कस लें दोनों पैंच बराबर, और ब्रश लेके इसे भी एक बार पैंचों को भी साफ कर लें, क्योंकि जब क्लीन किया है तो सारा कुछ क्लीन होना चाहिए। तो इस तरीके से अच्छे से इसे भी क्लीन कर दें और उसके बाद इसका बर्नर कस दें। तो बस ध्यान से देखें, हमारा काम हो चुका है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि पेट्रोल सूख जाए उसके बाद ही गैस को यूज करें, ठीक है, नहीं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि हमने जो ऑयल यूज किया था वो पेट्रोल था। चलिए इस तरीके से हम अपनी गैस को सही कर सकते हैं। एकदम ओके चल रही है। चलिए हमने ये वाली सही की, तो चलिए इसे भी हम चेक करके दिखाते हैं। तो ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छी चल रही है, एकदम बढ़िया लौ दे रही है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी समस्या नहीं है। तो चलिए उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।